देंगे आपको भूमिजी महाराज का मंदिर जो दिखाई देगा वो देख सकते हो, और उसके साथ में आपके जो भूमिजी महाराज है आपके दर्शन करवाए दिए भूमिजी महाराज के। यहाँ लोगों का आस्था का प्रतीक है यहाँ पे आने से, और लोगों की मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे भूमि जी महाराज के मंदिर में आने से। तो आप देख सकते हो कितना वीरान हो रखा है ये, ऊपर जो राजा महाराजा के टाइम का है, ये अभी का नहीं है। देख सकते हो आप जो चौबतक चैनल आपको जो अलग अलग जो मंदिर है उनके दर्शन करवाता है हमेशा, आपको पता ही है, और न्यूज वगैरह सब चीजें दिखाता है। तो आप जो देख पा रहे हो ये मोरिजा का जो डूंगर है, जो अपन डूंगर बोलते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो उसका ये हिस्सा है, ये पार्ट है, आप देख पा रहे हो। तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पहले बता दिया कि आयरन पाया जाता है इसमें, यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है, ये जो मोरिजा का अरावली पर्वतमाला है इसमें आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। और मंदिर तो आपको मैं अभी अभी दिखाता हूँ लास्ट एंड में आपको, जो पहले उससे पहले आपको रामदेव जी महाराज के दर्शन कराऊंगा, उसके बाद में काली माता के दर्शन कराऊंगा। तो वीडियो में ऐसे बने रहो, अब आओ आपको दिखाते हैं हम रामदेव जी महाराज का मंदिर, वीडियो में लगातार ऐसे बने रहो। अपने रामदेव जी महाराज को जय राम सपीर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है रामदेव जी महाराज का मंदिर भी, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आज आपको मैं इसके लाइव दर्शन करवाता हूँ, तो वीडियो में लगातार ऐसे बने रहो। स्किप करने से कुछ नहीं होगा, स्किप करोगे तो कुछ आपको भी लाभ नहीं मिलेगा। आप देखो आगे दर्शन करने के लिए आओगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, और आप मंदिर के बारे में जान भी पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा नजारा दिख पा रहा है यहाँ पे मोरिजा गांव का। और उसके साथ में बता दू वो सामने देख पा रहे हो काला पत्थर में अपने माता जी बैठी हुई है, वहां पे अभी चलेंगे थोड़ी देर में, या पहले रामदेव जी महाराज के दर्शन कर ले उसके बाद में अपन चलेंगे वहां पे, कालची माता के जो मंदिर स्थापित है वहां पे चलेंगे। आप देख सकते हो रामदेव जी महाराज का मंदिर, अरावली की पर्वत श्रृंखला है उसका पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो मिट्टी के टीले भी बनाए हैं यहाँ पे। उसके साथ में मैं बता दूं आपको, अगर आप पानी वगैरह नहीं लाते हो तो यहाँ पे बाबा रामदेव जी महाराज की कृपा से यहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था, पानी की टंकी भी बनाई गई है, ये मंडा हुआ है देख सकते हो, पीने का पानी यहाँ पे सारी सुविधा की गई है यहाँ पे गांव वालों की तरफ से। तो छोटी पहले टंकी छोटी भी थी, उसके बाद में बड़ी टंकी बना दी गई है, और इससे बड़ी भी अपने कालची माता के मंदिर में स्थापित है। यहाँ पे अगर रामदेव जी महाराज की प्रसाद वगैरह गोट वगैरह करने के लिए आते हो तो यहाँ पे जगरे वगैरह की व्यवस्था भी की गई है, आप देख सकते हो खुद। साधु ये आपको दिख पा रहा है अपने जो राजस्थानी भाषा में बोला जाता है उसको जागता, आपको सभी को पता है, लेकिन जागता अपने राजस्थानी भाषा में बोला जाता है इसको। अग्नि जो कोयले वगैरह होते हैं उसके ऊपर भोग लगाया जाता है, उसको यहाँ पे सेके जाते हैं कोर वगैरह जो, उसके बाद में यहाँ पे मंदिर में जो रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पे भोग लगाया जाता है। तो मैं दर्शन भी करवा देता हूँ यहाँ पे, अभी तो पट बंद है लेकिन मैं खोलता हूँ रामदेव जी महाराज के मंदिर का, मैं दर्शन करवाता हूँ। और ये सामने आपको देख पा रहे हो ये वीर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ये अपने रामदेव जी महाराज के मंदिर आपको देख सकते हो, लाइव दर्शन देख सकते हो, उसके पास में दान पत्र वगैरह लगे हुए हैं। रामदेव जी महाराज का मंदिर कितना अच्छा कितना प्यारा लगा हुआ है, आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे दान पत्र वत्र की भी सुविधा है, आप अपना दान भी देख सकते हो। आपने जो अपने चौमुतक चैनल है उसमें आपने दर्शन कर ही लिए होंगे, अब उसके बाद में आप उनको जो अपने कालची माता का उसके दर्शन करवाता हूँ मैं, इसके पट बंद कर देता हूँ। तो आप सभी को पता है रामदेव जी महाराज के मंदिर दर्शन करने के बाद में आप पहाड़ियों में भी जा सकते हो, पहाड़ियां भी देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे पहाड़ियां दिखाई दे रही है अपन को। और ये गांव का नजारा है, ये पूरा मोरिजा गांव का नजारा है, कितने अच्छे जो पहले पुराने गढ़ थे राजा महाराजा के टाइम पे, जो आप देख पा रहे हो ये पुराने राजा महाराजा के टाइम के गढ़ है, उसके साथ में यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। और अब चलिए अपन माँ कालची माता के दर्शन करते हैं और वहां से माता का आशीर्वाद लेते हैं।